नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। राजस्थान में विधानसभा की 5 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए बीजेपी ने प्रभारियों की बड़ी फौज उतार दी है। इसमें कई मंत्री, विधायक और पूर्व मंत्रियों के नाम शामिल हैं। 5 सीटों के लिए 22 प्रभारी बनाए गए हैं। देवली, उनियारा, दौसा, झुंझुनू के लिए 4-4 और खींवसर और चौरासी के लिए 5-5 प्रभारी बनाए गए हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, किरोड़ी लाल मीणा, डिप्टी CM प्रेमचंद्र बैरवा, मंत्री सुरेश रावत, मंत्री कन्हैया लाल, मंत्री सुमित गोदारा, हीरालाल नागर को प्रभारी की लिस्ट में रखा गया है। देवली उनियारा विधानसभा सीट का पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, मंत्री हीरालाल नागर, विधायक जितेंद्र गोठवाल, प्रदेश महामंत्री ओम प्रकाश बराणा को प्रभारी बनाया गया है। झुंझुनू के लिए मंत्री अविनाश गहलोत, मंत्री सुमित गोदारा, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, विधायक गोवर्धन वर्मा, खींवसर के लिए मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, मंत्री सुरेश रावत, विधायक बाबू सिंह राठौड़, प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया और प्रदेश प्रवक्ता अशोक सैनी को प्रभारी बनाया गया है। दौसा सीट पर डिप्टी CM प्रेमचंद्र बैरवा, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभुलाल सैनी और 84 सीट के लिए मंत्री बाबूलाल खराड़ी, विधायक श्रीचंद कृपलानी, प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा, प्रदेश मंत्री मिथिलेश गौतम और महेश शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 22 लोगों को मैदान में उतारा गया है। रोचक बात यह है कि इसमें किसी भी महिला को जगह नहीं मिली है, जबकि बड़ी संख्या में महिला विधायक और पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी में है। जातिगत नेताओं को मैदान में उतार कर एक बड़ी रणनीति का संकेत दिया गया है। प्रभारियों में कई तो अपना खुद चुनाव हार चुके हैं। अब देखना यह होगा कि राजस्थान में उपचुनाव के बाद क्या कुछ परिणाम निकल कर आते हैं या इन चुनावों के बाद कौन सी पार्टी जीत का परचम लहराती हुई नजर आती है और कांग्रेस और बीजेपी में से आखिर कौन गद्दियों को संभालता हुआ नजर आता है। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।